हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं वैसे ही बीमार हूँ, फीलिंग लिटिल बिट वेल। तो अभी मैं पी रही हूँ चाय और साथ में मैंने आज भी पोहा ही बनाया था। तो अभी थोड़ी देर में हम जाएंगे हॉस्पिटल और करवाएंगे चेकअप, फिर देखते हैं कि डॉक्टर क्या बोलते हैं कि मैं क्यों ठीक नहीं हो रही। तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी हॉस्पिटल जाने के लिए और उनको मैं आपको नहीं दिखा सकती बिकॉज उन्होंने भी यूनिफॉर्म पहन लिया, तो यूनिफॉर्म में वीडियो बनाना है अलाउ नहीं है। बाकी मैं आपको पूरी लुक दिखा देती हूँ, आपने ये पहले भी देख लिया होगा सूट, दिखाती हूँ। तो ये है मेरी आज की लुक। स्लीपर इग्नोर करना, भी मैंने अपनी हील्स नहीं पहनी है, बट ये मेरी आज की लुक है। तो यहाँ पे पर्ची बनने के बाद मैं वेट कर रही थी कि कब डॉक्टर आएंगे और मेरा चेकअप करेंगे, और मैं सच में बहुत बोर हो रही थी। डॉक्टर के पास सारा चेकअप कराने के बाद और मेडिसिन लेने के बाद अभी हम रवाना हुए घर की ओर। तो अभी हम वापस आ गए हैं हॉस्पिटल से और मुझे दवाइयाँ मिली हैं खाने के लिए, लगाने के लिए मुंह पे और मतलब गले तक। तो अभी मेरे को ब्रेड के साथ थोड़ी सी दूध से, बोलते हैं कि छाले और ज़्यादा बढ़ते हैं इसलिए थोड़ी सी पत्ती डाल के ब्रेड खाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ खाया नहीं जा रहा। उसके बाद देखते हैं अभी क्या करना है, क्योंकि आज धनतेरस है। सो हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग गाइस। तो ब्रेकफास्ट मैंने हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट बनाया है इनके लिए, क्योंकि इन्होंने दवाई खानी है तो खाली पेट तो खा नहीं सकते और ठंड भी हो गई है, आज मौसम ठंडा है। तो देखिए इनको ठंड बहुत लगती है और ये प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है, देख सकते हैं आप। इन्होंने कंबल ओढ़ लिया जो कि इनके ऊपर बहुत जच रहा है, मतलब मैचिंग मैचिंग हो गया है। ये ब्रेकफास्ट है इनके लिए, चाय और ब्रेड और साथ में है कोकोनट बिस्किट्स। वो मैं नहीं खाऊंगी। खा सकते हो, दवाई तो खानी है। जल्दी से ठीक हो जाओ। तो ये मुझे अभी दवाई पिलाने वाले हैं, कड़वी दवाई, ये देख सकते हो आप। अभी चेंज हुई है आज, और मेरे को ये भी दिया है, मुझे कल भी दिया था, ये मुझे आज भी दिया है। इसमें अभी तक चल रहा है, प्रूफ होना चाहिए कि दवाई खाई हुई है कि नहीं। बहुत मीठी दवाई है लग रहा है, एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे। बहुत कड़वी दवाई है यार आज की, अंदर की दवाई ज्यादा कड़वी होती है क्या, कुछ निकल रहा है। तो अब मित्तू चले गए ड्यूटी मुझे दवाई देके, और मैं इस कंबल में ऐसे सोफे पे सो जाऊंगा आज। मैं खाना बनाऊंगी अभी जल्दी से, क्योंकि आज धनतेरस है तो हमें थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है। लक्ष्मी माता को नाराज़ नहीं करना होता आज के दिन, इसलिए एंड मुझे ना काफ़ी रिलीफ है। मुझे ना यहाँ यहाँ पे दो छाले हो गए, क्योंकि मैं अच्छे से ब्रश नहीं कर पा रही हूँ छालों की वजह से। तो इसलिए वो दुखे मॉर्निंग में जब मैंने ब्रश करा, तो ना उसके बाद से मैं ज़्यादा मतलब बोल नहीं पा रही हूँ। गले वाला छाला ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है, बस यहाँ पे मुझे छाले हो गए दो, तो उसकी वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत आ रही है बोलने में। बाकी मैं ठीक हो रही हूँ, मेरे लिए प्रे करते रहो बस। थैंक यू एवरीवन। हाय एवरीवन, तो आज मैं लंच में बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि खिचड़ी खाने के लिए मुझे बहुत लोगों का सजेशन है। मैंने देसी घी डाला है और देसी घी को तड़का लगा के बनाऊंगी, मम्मी बोलते कि देसी घी में बनानी चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज देसी घी में बनाऊं। वैसे खिचड़ी वो पसंद नहीं करते इतना, बट स्टिल मैं बना रही हूँ। और इसमें मैं टमाटर कुछ नहीं डाल रही हूँ, इसमें अदरक है, थोड़ी सी मिर्च है और इसमें एक दो प्याज है इसमें, बस। तो नॉर्मल बनेगा, बाकी मैं सारा कुछ कर लेती हूँ अभी, क्योंकि जल जाएगा नहीं तो। अभी तड़का भुन चुका है इसमें, ये देख सकते हैं आप, मैंने ये भून लिया अच्छे से। और इसमें अभी मैं ये वाली दाल और साथ में ये राइस मैंने मिक्स ही धो लिए थे,
तो ये इसमें डालूंगी और थोड़ा सा इसको अच्छे से भून के फिर इसमें मैं डालूंगी पानी। तो ये मैंने इसमें राइस डाल दिए थे, दालें भी डाल दी थी और साथ में ये देखो इसको थोड़ा सा मैंने भून लिया है और इसमें अभी पानी ऐड करूंगी मैं। तो पानी मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें, जितना आप डालते हो ना राइस में उससे थोड़ा ज़्यादा डालो, क्योंकि दाल भी पकनी है और दूसरी बात ये ज़्यादा ड्राई ड्राई अच्छा नहीं लगता। जो खिचड़ी होती है वो थोड़ी पतली अच्छी लगती है। तो अभी मेरी जो खिचड़ी है वो मेरी पकने वाली है, क्योंकि मैंने अभी उसमें पानी डाल दिया है और साथ में ढक्कन चढ़ा दिया है। तो अभी थोड़ी देर में वो भी शायद आ जाएंगे, जब तक मेरी खिचड़ी बनेगी तो आज उनको खिचड़ी खिलाऊंगी मैं। वैसे अगर उनको अच्छी लगेगी तो साथ में वो कल वाले वाइट चने भी हैं तो वो भी डाल के खा सकते हैं, तो उनको थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी आज मेरा फेस काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है और थोड़ा यहाँ से स्वेलिंग भी थोड़ी कम हो गई है। तो अभी हम थोड़ी देर में मैं उनके आने से पहले ही तैयार हो जाऊँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि तू तैयार हो जाना, साथ में हम लंच करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे शॉपिंग करने धनतेरस की। और बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आई तब मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि धनतेरस पे झाड़ू खरीदना चाहिए, साल्ट खरीदना चाहिए और क्या बताया था, सोना खरीदना चाहिए और चांदी खरीदना चाहिए। तो ये सब मैं खरीदूंगी आज। और बैक कैमरा मैं ये सब देख रही थी कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो मिलते हैं तैयार होके। तो ये ऑलमोस्ट मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये है मेरी आज की ड्रेस। तो ये है मेरी आज की फुल लुक। इग्नोर माय स्वेल्ड फेस, बाकी बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। और ये मैंने कुर्ती मीशो से ली है। अभी थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया इसलिए मैंने इसके ऊपर से थोड़ी सी जैकेट पहन ली है। कैसी लग रही है ये जैकेट? और ये इंसान को देखिए गौर से। तभी मैं बैठ गई हूँ, अभी हम करेंगे लंच। लंच क्या, 2:30 उठाई, 3 बजे का टाइम हो रहा है अभी हम लंच कर। तो अभी हमने कर लिया है अपना लंच, लंच कम डिनर, मतलब डिनर तो फिर से करेंगे बट मतलब बीच का होता है। तो अभी बस निकल रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? ज्वेलर की शॉप पे, धनतेरस शॉपिंग करने के लिए। बुद्धू मतलब आप चंडीगढ़ में कहीं पे जाओ और आपको ट्रैफिक ना मिले, हो ही नहीं सकता। इतनी सारी भीड़ है कि पार्किंग में जगह ही नहीं है। तो हम आए हैं तलवार सन्स ज्वेलर्स के पास और इतनी सारी भीड़, इतनी सारी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। गुड इवनिंग गाइस, तो हम लोग आए हैं तलवार ज्वेलर्स के पास धनतेरस पे रिंग लेने के लिए, गोल्डन। तो अभी चॉइस कलेक्शन चल रही है कि कौन सी लेनी है, इधर भी देख लो। और ये हमें, और ये बन रहा है बिल। शक्ल देखो मायूस। पहुंच के हैं घर पे, सारी शॉपिंग करके धनतेरस की और अभी हम करेंगे पूजा।
आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होप सो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये मैं कल बताऊंगी कि मैं क्या लेके आई थी धनतेरस पे। तो मेरे को जिन्होंने बोला था झाड़ू लेके आना है, मैं झाड़ू लेके आई, साल्ट लेके आई और बर्तन की जगह ये भगवान जी के लिए जोत लगाने के लिए लेके आई, चांदी का सिक्का लेके आई और सोने का भी लेके आई हूँ, तो वो बाद में दिखाऊंगी। तो चलो जी, दो इजाजत, बाय बाय।